हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल 7 मिनट ट्रिक, जिसमें हर शाम को 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ट्रिक होगी। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, जिससे आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी आप लोगों का ही कन्फ्यूजिंग रहता है कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलता है। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। तो गाइस, आपको पता है हर एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई ना कोई हार्मोन्स निकलता है, तो कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या उसका फंक्शन होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग बात करें कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक जाते हैं, कोशिकाओं तक जाते हैं और उन्हें सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई तुम्हें यह काम करना है। तो देखिए, हमारी बॉडी में कौन कौन सी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, वो है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सभी ग्लैंड है, इनसे कोई ना कोई हार्मोन निकलेगा। तो किससे कौन सा हार्मोन निकलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली ग्लैंड है गाइस पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। पीनियल ग्लैंड होती कहां पर है, आप लोग इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन। इसका फंक्शन क्या होता है, सोने जागने के चक्र का नियंत्रण। अब इसको याद कैसे करें, तो गाइस एक छोटा सा कुत्ता है, टॉमी नाम का कुत्ता है, जिसको पाइनएप्पल बहुत पसंद है और पास में कोई मेला लग रहा है तो वहीं पर सोता है, वहीं पर जगता है। तो पाइनएप्पल का दीवाना टोनी मेले में ही सोता जागता है, तो पाइनएप्पल से पीनियल ग्लैंड, टोनी मेले से मेलेटोनिन, जो कि एक हार्मोन है, सोता जागता है। यानी इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करना। चलिए, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है ग्रोथ हार्मोन, एक निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन से क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। प्रोलैक्टिन क्या होता है, जो आपकी फीमेल्स होती है उनमें दूध वृद्धि के लिए ये सहायक होता है, और जब डिलीवरी के समय ह्यूमन के गर्भाशय का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब याद कैसे करें, इतनी बड़ी ग्लैंड से इतनी सारी चीज़ें निकल रही है। तो देखिए, एक सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग देख पा रहे हैं कि आपकी पीटी टीचर आपको बोलती है सिर्फ ऑक्सीजन से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन भी जरूरी है आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो जो टीचर है, पीटी टीचर कहती है ऑक्सीजन के साथ प्रोटीन नहीं खाओगे तो ग्रोथ कैसे होगा, तो ऑक्सीजन के साथ में प्रोटीन भी खाना है। तो देखिए, पीटी टीचर से पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीजन से ऑक्सीटोसिन, प्रोटीन से प्रोलैक्टिन, टू ग्रोथ से ग्रोथ हार्मोन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये तीनों हार्मोन्स निकलते हैं। तो आई होप इस इमेज से आप लोगों को ये चीज़ें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे निकलता है ट्राईआयोडोथायरोनिन। और क्या निकलता है, एक निकलता है कैल्सिटोनिन। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ये हार्ट रेट, हृदय गति को कंट्रोल करता है, और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है, हमारे ब्लड में फास्फोरस और कैल्शियम का अमाउंट कंट्रोल करता है। तो इसको कैसे हम लोग याद करें, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये कौन है, ये कुंभकर्ण है। इनके थाई पे क्या रखे हुए हैं, नमक के थैले रखे हुए हैं, आपको इनको काउंट करना है। तो देखिए लाइन क्या हो जाएगी, कुंभकर्ण की थाई पर रखे नमक के थैले, नमक यानी आयोडाइज सॉल्ट के थैले, कैलकुलेट करो। तो देखिए, थाई से थायराइड ग्लैंड, इससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, नमक से, आयोडाइज सॉल्ट से ट्राईआयोडोथायरोनिन, और एक कैलकुलेट करो से कैल्सिटोनिन। तो इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, इस इमेज से याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे एक हार्मोन निकलता है, डेट इज थाइमोपोइटिन। इससे थाइमोपोइटिन हार्मोन निकलता है। इसका वर्क क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है ना, इसकी एज इसी से अफेक्ट होती है, कोई ज़्यादा एज तक भी फ्रेंड्स उनकी स्किन अच्छी रहेगी। तो इसको हम लोग याद कैसे करें, छोटी सी ट्रिक है। आपको पता है नदी दिख रही है सामने, तो लंदन में एक नदी है, कौन सी नदी है, थेम्स नदी है। उसमें पोएट्स क्या होते हैं, तैरते हैं, उसमें पोएट्स क्या होते हैं, तैरते हैं, स्विम करते हैं। तो देखिए, लंदन की थेम्स नदी यानी थाइमस ग्लैंड में पोएट्स यानी थाइमोपोएटिन हार्मोन निकलता है इससे, ठीक है। आपको पता है शेक्सपियर एक आपके पोएट थे, तो इसलिए उनकी फोटो से आपको याद रह जाएगा। चले आगे,
आगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलता है? एक निकलता है एल्डोस्टेरोन जो कि किडनी में सॉल्ट का अमाउंट कंट्रोल करता है, एक निकलता है कॉर्टिसोल जो कि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फैट इनको मैनेज करता है, एक निकलता है एंड्रोजन वो एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या है? आपका मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। इस ग्लैंड से इतनी सारी चीजें याद कैसे करेंगे? तो टेंशन ना लीजिए, ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। देखिए कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि जो भी रोते रहता है ना पूरे दिन रोता रहता है उसके नल बंद कर दो, पीने का नल बंद कर दो, ध्यान से समझो। तो कोर्ट ने ऐसे जनों के नल बंद करवा दिए जो ऑल डे रोने का काम करते हैं। तो कोर्ट से कॉर्टिसोल, ऐसे जनों एंड्रोजन एस्ट्रोजन, नल से एड्रिनल ग्लैंड, ऑल डे रोने यानी एल्डोस्टेरोन। यानी एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? ये तीन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, इमेज से आपको याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं पैनक्रियास यानी अग्नाशय, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है इंसुलिन हार्मोन, एक निकलता है ग्लूकागन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें ग्लूकोज भी होता है, तो उस सेल को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करवाता है जिससे एनर्जी मिले। गाइज ग्लूकागन क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकोज से जो भी चीज़ बनी थी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज, तो उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है ये। यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो कौन पूरा करेगा? ग्लूकागन हार्मोन करेगा। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखें? तो आपके डोर पे कोई ग्लूकोंडी वाला आया, उन्होंने गन निकाली, उससे क्या निकल गया? पेन निकल गया। आप डर गए, आपकी इंसल्ट हो गई। तो देखिए ग्लूकोंडी वाले ने गन से पेन निकाल कर मेरी इंसल्ट कर दी। तो ग्लूकोंडी से ग्लूकागन हार्मोन, पैन से पैनक्रियास, इंसल्ट से इंसुलिन, यानी पैनक्रियास से एक इंसुलिन हार्मोन निकल जाएगा और एक ग्लूकागन हार्मोन निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके ओवेरीज जो फीमेल में होती है ये ग्लैंड, और टेस्टिस जो मेल में होती है। तो फीमेल में जो ग्लैंड होती है इनसे दो हार्मोन्स निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ध्यान रखिए इन दोनों ही हार्मोन का प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो आपका मेल में टेस्टिस ग्लैंड होती है इससे कौन सा निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। इससे क्या होता है? ये आपके फर्टिलिटी कंट्रोल करता है, फर्टिलिटी रेगुलेट करता है। तो इसको कैसे याद रखें? ये आपके सेक्स हार्मोन्स है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। इसको कैसे याद रखें? तो एक डॉक्टर है जो आपको प्रोजेक्टर से क्या दिखा रही है? टोस्टर दिखा रही है, और इस टोस्टर से क्या निकल रहे हैं? एस्ट्रॉइड निकल रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर ने प्रोजेक्टर पर टोस्टर से एस्ट्रॉइड निकलते दिखाए, यानी प्रोजेक्टर से प्रोजेस्टेरोन आपका हार्मोन हो जाएगा, टोस्टर से टेस्टेरोन हो जाएगा, एस्ट्रॉइड से एस्ट्रोजन हो जाएगा। यानी ये तीनों हार्मोन याद हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ट्रिक बहुत पसंद आई हुई है, 7 मिनट का, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, और आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई रिपीट, इस 7 मिनट्स की वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच।